भगवान जगन्नाथ का मंदिर, इसके बाद पहला आपका जो मंदिर पड़ता है जगन्नाथ मंदिर कार्यालय, फिर आपका दूसरा जो राम राम लिखा हो, और तीसरा जो हरा वाला है वही है आपका देवी दत्त दूध वाला धर्मशाला। तो सोवेल यही है देवी लाल दूध वाला, ऊपर देख सकते हैं आपका देवी दूध वाला, और ऊपर बड़ा अक्षर में लिखा है देवी दत्त दूध वाला धर्मशाला। और पूरा ये है आपका बड़ा सा में एंट्री करिए, देखिए ऐसे एंट्री करिए, साइड में ही आपका ऑफिस है, और अंदर है कुछ यूं लुक। फर्स्ट फ्लोर पे तो सोवेल अंदर से कुछ ऐसा रूम है, इनफ है एक दो दिन के लिए। आपकी दो तख्त मिलेगा, उस पर बिस्तर आपका बेडशीट पहले से था, दो तीन तक ये आपको मिल जाएगा, और बाकी वो सब मेरा है ब्लैंकेट। और देखिए बड़ी बड़ी खुंटियाँ हैं, पुराना है, ऊपर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा, और एक फ़ैन है, लाइट है, लाइट्रिन बाथरूम, और इधर जो इस साइड जो है ये है आपका अलमारी, और ये है लाइट्रिन, लाइट्रिन में शावर है, पानी मस्त आता है, बेसिन, लाइट्रिन बहुत गंदा है, इतना व्यवस्था है। और बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, धूप में वहाँ कपड़े सुखा सकते हैं। तो ये है बहुत ही सस्ता और टिकाऊ रूम। अगर आप लोग भी पूरी उड़ीसा जगन्नाथपुरी दर्शन करने आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो मैं बता दूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही सही है। कैसे दर्शन करना है, कहाँ रुकना है, कितने में रुकना है, सबसे कम चार्ज में मैं बताऊँगा। तो देखिए आपको आना है, यानी जहाँ पे रुकना है तो धर्मशाला लीजिएगा, होटल लेंगे तो महंगा पड़ जाएगा, यानी होटल नियर अबाउट 1500 से स्टार्ट होता है एक रात के लिए, और जिस धर्मशाला में रुका हूँ 24 घंटे के लिए मात्र 200 रुपये है, और जगन्नाथ बाबा का दर्शन करने में आपको खर्च अगर प्रसाद लेंगे तो पंडा तो ऐसे लुटेरे हैं, कहीं आप लोग पैसा ना दीजिएगा, बस भगवान का दर्शन कीजिए। भगवान का ही एक काउंटर है वहाँ पे, सरकारी काउंटर कहते हैं, वहाँ पे जो चंदा देना है 251 551 जो भी आपको देना है वहाँ पे दीजिएगा। और अगर आपको मटके में, जो मटके के मुँह ऊपर मटका, मटके ऊपर मटका खाना बनवाना है, तो उसमें बताते हैं कि लोग जो ऊपर वाला मटका है अगर पक गया तो नीचे वाला भी पक जाता है, तो उसके लिए हमें बताया गया जो 1500 रुपये चार्ज दाल चावल सब्जी का, उससे ऊपर 2500 है, 3500 है, यानी ऐसे अगर आप दक्षिणा करेंगे तो वो आपका बनेगा। करने के बाद समुद्र किनारे, तो समुद्र के किनारे आपका जगन्नाथपुरी से बहुत दूर है, कम से कम 2.5 किलोमीटर, ऑटो वाले भी यहाँ के लुटेरे हैं। मैं नया था तो मुझसे समझकर 100 रुपये मांग रहा था, 2.5 किलोमीटर, यानी अंदर लहर जो लहरें आती हैं तो डुबाएंगी कहीं नहीं, अगर डुबाती तो पुलिस प्रोटेक्शन रहता, समुद्र में नहाने ही नहीं देते। वो कितनों अंदर जाइए, समुद्र आपको उठाकर बाहर फेंक देगा, अंदर जाएंगे बाहर फेंक देगा, थोड़ा सा खींचेगा लेकिन मज़ा आ जाता है। पानी नमकीन है, यानी खारा पानी है, और नहाने में कब आपको घंटा दो घंटा यानी आने का मन ही नहीं करेगा, इतना ज़्यादा इंजॉयबल लेवल्स है समुद्र के किनारे। तो इतना सब है। और धर्मशाला कौन सा लेना है, तो धर्मशाला जिसमें मैं रुका हूँ इसे दूध वाला धर्मशाला कहते हैं, यानी बहुत बड़ा है, और इसमें जो है 70 कमरे हैं, आपको रूम मिल जाएगा, जब जाएंगे तब आपको मिलेगा रूम। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ एक लुक इसमें सबसे सस्ते वाला। तो ऊपर से एक लुक देखिए आप यहाँ से, ठीक है, रेड रेड कलर का है, ये है सीढ़ी ऊपर जाने का, और ये व्यवस्था है, इधर देख सकते हैं, बाहर भी रुक सकते हैं, अंदर भी, ये सब व्यवस्था है, यानी रूम आपको मिलेगा अटैच, लैट्रिन बाथरूम, यहाँ पे 55 रूम 56, ऐसे करते 57 58, ऐसे करते उधर तक लास्ट जाएंगे तो 72 73 रूम है। और नीचे देखिए, और खाने के लिए आपका इसमें निःशुल्क भंडारा लगता है, वो भी आपको मिल जाएगा, अगर आपकी किस्मत सही रही तो भंडारा मिल जाएगा, निःशुल्क खाना भी खा लीजिएगा,
वैसे कहीं भी खाना खाएंगे तो दो बढ़िया होटल में खाएंगे तो 150 रुपये चार्ज है प्याज लहसुन बिना के, और अगर सस्ते में खाएंगे तो 70-80 रुपये में बस आपको मिल जाएगा। और रूम मेरा कैसा, जो मेरा रूम है उसे मैं दिखाता हूँ। देखिए लोग रूम के बाहर भी सोए हैं फ्री वाले, और भंडारा यहाँ बन रहा है। देखिए भंडारा बन रहा है, चाय बन रहा है, और नीचे चल रहा हूँ अपने रूम में। देखिए नीचे का इधर, और ये वाला रूम मेरा सफाई। तो सोवेल ये है दूध वाला धर्मशाला पूरी जिसमें हम लोग रहते थे, तो 2 दिन से ऊपर हम लोगों ने रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं रसीद कटी है हमारी, रूम नंबर 27, और यहाँ पे रूम नंबर 27 700 रुपये चार्ज बैठा है। 5 लोग हम लोग थे, 700 रुपये चार्ज बैठा फ्रॉम कब से, 16 से फ्रॉम 17 तक।